रुक करेंगे। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा बढ़ाई गई है। द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। जेड प्लस सिक्योरिटी द्रौपदी मुर्मू को दी गई है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। तो कल देर रात एनडीए ने अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान किया। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और उम्मीदवार की घोषणा के बाद द्रौपदी मुर्मू शिव मंदिर पहुंची और वहां पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ के आगे अपना मत्था टेका। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब द्रौपदी मुर्मू शिव मंदिर पहुंची और भगवान शिव के आगे मत्था टेका, दर्शन किए, पूजन की। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू की अब सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। द्रौपदी मुर्मू को जेड प्लस सुरक्षा दी गई। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए एनडीए ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। द्रौपदी मुर्मू 25 जून को नामांकन करेंगे। आपको बता दें द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू साल 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल थी। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार के दौरान वाणिज्य और परिवहन मंत्री भी रह चुकी हैं। वहीं साल 2002 से 2004 तक द्रौपदी मुर्मू मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री थी। आपको बता दें मुर्मू ओडिशा की पूर्व मंत्री और रायरंगपुर से विधायक भी रह चुकी हैं। तो देखिए कल देर रात एनडीए ने अपना राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। 2015 से 2021 तक द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इसके अलावा विपक्ष के यदि उम्मीदवार की बात करें तो वो यशवंत सिन्हा को घोषित किया गया है। इसमें अब खास बात यह है कि दोनों ही उम्मीदवार झारखंड से ताल्लुक रखते हैं, दोनों ही उम्मीदवार झारखंड के चेहरे हैं। आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार का ताल्लुक झारखंड से है। कल ही विपक्ष ने भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है जिनका संबंध झारखंड के हजारीबाग से है। वहीं एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भी झारखंड से है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी मूल की है। आप दो तस्वीरें देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा जो कि झारखंड के हजारीबाग से ताल्लुक रखते हैं। दूसरी तस्वीर में है द्रौपदी मुर्मू जो कि झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है साल 2015 से 2021। तो वहीं देखिए द्रौपदी मुर्मू पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके उनको बधाई भी दी है। तो आप ये ट्वीट देख सकते हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना जीवन, ये उन्होंने ट्वीट किया है, समाज की सेवा और गरीब दलितों के लिए साथ साथ उनके साथ पिछड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित कर दिया है। तो ये पीएम मोदी ने ट्वीट किया है द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद, उनको बधाई दी। उन्होंने कहा उनका कार्यकाल उत्कृष्ट रहा। तो ये पीएम मोदी का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा मुझे विश्वास है कि वो हमारे देश की एक महान राष्ट्रपति होंगी। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई दी। उन्होंने विपक्ष के सभी दलों से आग्रह किया है कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दें और सर्वसम्मति से राष्ट्रपति का चयन करें। मैं समस्त झारखंडवासी के साथ साथ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, समस्त आदिवासी समाज और सभी देशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी और जेपी नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई। आज़ादी के बाद पहली बार जिस आज़ादी के लड़ाई में हमारे गरीब आदिवासी परिवारों ने भी खून बहाया था, वैसे समाज में एक महिला आदिवासी को महामहिम राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाना
दुनिया को एक संदेश देने का काम कि भारत जो दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है, जहां एक चाय बेचने वाला का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और चलिए सीधा बड़ी खबर आपको बता